हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि नीट 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो लोग भी बायोलॉजी सब्जेक्ट है जिनका जो कि एग्ज़ाम देते हैं यूपी उत्तर प्रदेश टीचर वैकेंसी का TGT और PGT का, और फिर जो लोग एग्ज़ाम देते हैं FCI का, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, उन सब के लिए यह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस कैन बी कैटेगराइज्ड एज टॉक्सिसिटी। इसमें से हम कौन से एक ऑप्शन को हम कैटेगराइज करेंगे जो कि टॉक्सिसिटी के अंदर आएगा या फिर एनवायरमेंटल जो टॉक्सिसिटी होती है उसकी वजह से होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, डेवलपमेंट ऑफ क्रोनिक लंग इन्फ्लेमेशन इन स्मोकर्स। तो स्मोकर जो होते हैं जो कि सिगरेट वगैरह बीड़ी पीते हैं तो उनमें क्या होता है कि लंग में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सेकंड जो है बी, क्रोनिक रेनेटाइटिस एसोसिएटेड विथ इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा में जो कि क्रोनिक रेनेटाइटिस हो जाता है। सी जो है गाउट विट इज इन्फ्लेमेबल ऑफ ज्वाइंट ड्यू टू एकोमोलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। तो टॉक्सिसिटी में हम जनरली एनवायरमेंटल और बाहरी जो पदार्थ होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं और हमारी बॉडी पे या हमारे एनवायरमेंट पे एडवर्स इफेक्ट कॉज करते हैं उनको लेते हैं। तो यहाँ पे गाउट वाला ये नहीं होगा। डी जो है पोस्ट सर्जिकल पस फॉर्मेशन इन उंड आर आन फोर आर्म। तो ये जो है सी और डी ये तो इंटरनल हो गया, और बी जो है यह भी इंटरनल हो गया या फिर किसी डिजीज की वजह से हो गया, लेकिन जो ए है यह जो है क्यों है, ये हम क्योंकि पॉल्यूटेंट को इनहेल कर रहे हैं जो कि हमारी बॉडी को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी में कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, लीवर इज द मेन मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन इन द बॉडी। हमारा लीवर जो होता है वो मेन मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन होता है बॉडी में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन एसोसिएशन विच टॉक्सिकेंट मेटाबोलिज्म एंड रिडक्शन ऑफ टॉक्सिसिटी। तो हमारी बॉडी में जो है, हमारी बॉडी में जो है एक ऑर्गन होता है जो कि टॉक्सिकेंट्स का मेटाबोलिज्म करता है और हमारी बॉडी के टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लीवर जो है हमारा मेन मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन है, तो इसके रिगार्डिंग हमें जो है कि 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से हमें देखना है कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन ए है, लीवर एलोन मेटाबोलाइजेज ऑल द टॉक्सिकेंट एंड डज नॉट नीड एनी फर्दर असिस्टेंट। बी है, किडनी प्ले एन एसेंशियल रोल इन इलिमिनेशन ऑफ मेटाबोलाइज्ड टॉक्सिकेंट थ्रू यूरिन। सी है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द केमिकल्स। डी है, ऑल द केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू बाइल आफ्टर मेटाबॉलिज्म इन द लीवर। सी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ केमिकल्स इन टू द लीवर। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, वो ये है, किडनी प्लेज एन एसेंशियल रोल इन इलिमिनेशन ऑफ मेटाबोलाइज्ड टॉक्सिकेंट थ्रू द यूरिन।
तो हमारी बॉडी में लीवर जो है टॉक्सिकेंट्स का मेटाबोलाइज करता है, टॉक्सिकेंट्स का वो मेटाबोलाइज करता है और हमारी बॉडी के टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है। लेकिन किडनी जो है यह भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिकेंट थ्रू द यूरिन में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रूट ऑफ एक्सपोजर टू द केमिकल्स। इनमें से कौन सा जो है कि हमारा नेचुरल रूट नहीं है एक्सपोजर का केमिकल से। यहाँ पे ऑप्शन ए है इनहेलेशन, तो नोज के थ्रू जो हम इनहेल करते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो भी केमिकल्स हैं उनसे हम नेचुरली एक्सपोज होते हैं। बी जो है ओरल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, अगर हम कोई फूड का इंजेक्शन करते हैं और हमें नहीं पता है कि इसमें कोई है केमिकल है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम यहाँ भी डायरेक्ट एक्सपोजर करते हैं नेचुरल रूट के थ्रू। सी जो है ट्रॉपिकल और डर्मल, यहाँ भी डायरेक्ट नेचुरल एक्सपोजर है। डी जो है इंट्रापेरिटोनियल में क्या हो जाएगा कि इंट्रापेरिटोनियल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज यूज्ड इन वेरियस एक्सपेरिमेंटल एंड केमिकल क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन वेयर ए टेस्ट सब्सटेंस ड्रग इज डिलीवर इनटू द पेरिटोनियल कैविटी विद द हेल्प ऑफ सिरिंज एंड नीडल, ठीक है। तो यह जो है हमारा नेचुरल रूट नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट इन केस ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द केमिकल्स टॉक्सिकेंट्स। इनमें से कौन सा जो है एक्यूरेट है इन केस ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द केमिकल या टॉक्सिकेंट्स के। ऑप्शन ए है इट इज ए सिनोनिम ऑफ मेटाबॉलिज्म। बी है बायोट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज रिजल्ट इन द एक्टिवेशन ऑफ ए नेचुरल केमिकल। सी है बायोट्रांसफॉर्मेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल इनटू द अदर इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एक्टिविटी। तो बायोट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक केमिकल का इनटू द अदर टाइप में, ठीक है। एक तरह के केमिकल का दूसरे तरह के केमिकल में ट्रांसफॉर्मेशन ही बायोट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज बायो एक्युमुलेशन। ऑप्शन ए है एक्युमुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंटिटीज इन ए जियोग्राफिकल एरिया। तो बायो एक्युमुलेशन में हम एक्युमुलेशन ऑफ केमिकल देखते हैं जो कि लिविंग बींग में होता है, ना कि जियोग्राफिकल एरिया में, तो इसलिए यहाँ पे यह जो है रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है एक्युमुलेशन ऑफ फॉसिल ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडरनीथ सेवरल लेयर ऑफ द मड रॉक एंड, तो यहाँ भी हम ये बाहरी हो गया। थर्ड सी जो है एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन ए बॉडी पार्ट आफ्टर ए टॉक्सिक एक्सपोजर, किसी भी हमारे बॉडी पार्ट में जो है फ्लूइड का, तो ये केमिकल्स का एक्युमुलेशन होता है ना कि फ्लूइड का, तो इसलिए ये भी
रॉन्ग हो गया। कुछ ये जो ऑप्शन डी है, एक्युमुलेशन ऑफ केमिकल्स इन बॉडी मेनली इन फैट टिश्यू एंड बोन्स, तो यह जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक्युमुलेशन ऑफ केमिकल्स, तो बायो एक्युमुलेशन में हम एक्युमुलेशन ऑफ केमिकल्स ही देखते हैं इन द बॉडी, और वो भी बॉडी में कहाँ पे, बोन्स में और फैट टिश्यू में, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है। ई को देख लेते हैं, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ सेवरल टॉक्सिक एंड ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बायो एक्टिवेशन इन कंपासेस द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है, ए लेस हार्मफुल सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू मोर हार्मफुल वन। बायो एक्टिवेशन क्या है, ए लेस हार्मफुल सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू मोर हार्मफुल वन। बी है, इट इज ए प्रोसेस विच एक्टिवेट द मेटाबोलाइजिंग एंजाइम इन द लीवर। सी है, बायो एक्टिवेशन इज ए पार्ट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बायो एक्टिवेशन को लेके सी भी करेक्ट है और ए भी करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और सी दोनों करेक्ट है। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम प्ले क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द केमिकल। हमारी बॉडी में जो केमिकल्स होते हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो इसमें से कौन सा एंजाइम्स जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन ए है, डाइजेस्टिव एंजाइम इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक डिस्ट्रॉय ऑल द केमिकल्स एंटरिंग इनटू द बॉडी। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होती है वो केवल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में डाइजेशन में हेल्प करती है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। बी जो है, साइटोक्रोम पी 450 ऑक्सीडेज यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेजेज एंड ग्लूटाथियोन्स एस ट्रांसफरेजेज। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये सारे के सारे ऑप्शन बी में, ये डिटॉक्सिफिकेशन में जो है कि डिटॉक्सिफिकेशन में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। सी जो है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज कैटालेज ग्लूटाथियोन पर ऑक्सीडेज। डी है, बी एन सी एन ई है, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे अगर हम सबसे करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि साइटोक्रोम यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कि डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स का सबसे ज़्यादा नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, केमिकल्स हैव स्पेसिफिक टारगेट इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी केमिकल्स हैं उनका एक स्पेसिफिक टारगेट होता है, तो इनका क्या, तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए है, ट्रू। ऑप्शन बी है, फ्यू डज हैव टारगेट अदर्स आर नॉन स्पेसिफिक। तो हमारी बॉडी में जो भी केमिकल्स होते हैं उनमें से कुछ का तो टारगेट होता है, जबकि कुछ जो है नॉन स्पेसिफिक होते हैं। सी जो है फाल्स है। डी है, डिपेंड ऑन द रूट ऑफ एक्सपोजर। एंड ई है, केमिकल डिसाइड आफ्टर इंटरिंग इनटू द बॉडी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच इज एन एक्यूट इवेंट ऑफ टॉक्सिसिटी।
इनमें से कौन सा जो है टॉक्सिसिटी का एक्यूट इवेंट है? ऑप्शन ए है लंग इन्फ्लेमेशन आफ्टर 2 डेज ऑफ इनहेलेशन ऑफ मेटल डस्ट। जब हम किसी मेटल के डस्ट का इनहेलेशन करते हैं तो हमारे लंग में जो है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है। बी जो है लीवर टॉक्सिसिटी आफ्टर द 3 डेली डोजेज ऑफ 325 मिलीग्राम ऑफ द पैरासीटामॉल फॉर 1 वीक। लीवर में टॉक्सिसिटी हो जाती है आफ्टर 3 डेली डोज ऑफ द 325 मिलीग्राम ऑफ पैरासीटामॉल फॉर 1 वीक डेली वीक ओनली। अगर हम 1 वीक के लिए पैरासीटामॉल का 325 मिलीग्राम का डोज लेते हैं तो हमारे लीवर में टॉक्सिसिटी हो जाती है आफ्टर 1 वीक। सी है लीवर टॉक्सिसिटी ऑफ 3 डोज ऑफ 500 मिलीग्राम ऑफ पैरासीटामॉल फॉर 1 डे ओनली। डी है ए टॉक्सिक इवेंट अकरिंग सडनली विदाउट एन अननोन काजेज। तो यहाँ पे हमारा अगर हम देखते हैं कि एक्यूट इवेंट जो होते हैं टॉक्सिसिटी का, उसमें हम ये देखते हैं कि कौन से बहुत ही जल्दी हमारी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। तो ये जो मेटल डस्ट है, तो मेटल डस्ट को अगर हम इनहेल करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। और यहाँ पे जो सी है लीवर की टॉक्सिसिटी हो जाती है आफ्टर 3 डोजेज ऑफ द 500 मिलीग्राम ऑफ पैरासीटामॉल फॉर 1 डे ओनली। अगर हम एक दिन में पैरासीटामॉल का बहुत सारे डोजेज लेते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाँ इसमें हमारा 2 करेक्ट है, ए भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है विच इज ट्रू रिगार्डिंग क्रोनिक एक्सपोजर। इसमें से कौन सा जो है कि करेक्ट है क्रोनिक एक्सपोजर की बात की जाए तो। ऑप्शन ए है रिपीटेड एक्सपोजर अकरिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। बी है रिपीटेड एक्सपोजर अकरिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ। सी है रिपीटेड एक्सपोजर अकरिंग फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 3 मंथ। रिपीटेड एक्सपोजर अकरिंग फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 3 मंथ, तो हम इसको क्रोनिक एक्सपोजर कहते हैं। रिपीटेड एक्सपोजर अकरिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 1 डे। ई है इट इज नॉट कैरेक्टराइज्ड एज क्रोनिक इफ नो टॉक्सिसिटी अकर। तो क्रोनिक एक्सपोजर उसे कहते हैं जब जो है 3 मंथ से ज्यादा के लिए रिपीटेड एक्सपोजर हो हमारी बॉडी का किसी टॉक्सिकेंट से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, फॉलोइंग फेजेस आर इंक्लूडेड इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द केमिकल्स। केमिकल्स के बायो ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन से फेजेज इंक्लूड हैं? ऑप्शन ए है फेज 0, फेज 1 एंड फेज 2। ऑप्शन बी है फेज 1, फेज 2 एंड सम टाइम फेज 3। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सेकंड है बी नंबर का ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, केमिकल्स आर टॉक्सिक एट एनी डोज लेवल।
A few chemicals which are lethal to humans can be defined like that. No dose determine whether they are toxic. तो केमिकल्स की टॉक्सिसिटी वो होती है जिसका कि डोज डिटरमाइन नहीं होता, वो किसी भी डोज के लेवल पे टॉक्सिक ही होते हैं। तो यहाँ पे पूछा भी है केमिकल्स आर टॉक्सिक एट एनी डोज लेवल, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे और हम पढ़ लेते हैं, सी है देयर इज नो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप व्हेन वी टॉक अबाउट हाईली टॉक्सिक केमिकल्स। द स्टेटमेंट नेक्स्ट है, स्टेटमेंट कैन बी अप्लाइड टू इनहेलेंट टॉक्सिकेंट बिकॉज ऑफ द लंग्स हाई सेंसिटिविटी एंड ई दिस इज ट्रू फॉर ऑल काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन पूछा है, केमिकल्स जो होते हैं टॉक्सिक होते हैं एट एनी डोज लेवल, किसी भी डोज पे अगर हम उसको देते हैं तो नो, इसका मतलब क्या हो गया कि नो डोज डिटरमाइन वेदर दे आर टॉक्सिक, तो उनका डोज से कुछ लेना देना नहीं है। डोज डिफाइन डिसाइड नहीं करता, डिटरमाइन नहीं करता उनकी टॉक्सिसिटी को, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट डैमेजिंग इफेक्ट, इसमें से किसका जो है मोस्ट डैमेजिंग इफेक्ट होता है। ऑप्शन ए है ए हाइड्रोफिलिक केमिकल विया इनहेलेशन रूट, बी है ए लाइपोफिलिक केमिकल्स विया डर्मल रूट, सी है ए लाइपोफिलिक केमिकल्स विया इनहेलेशन रूट, डी है ए हाइड्रोफिलिक केमिकल विया ओरल रूट एंड ई है ए हाइड्रोफिलिक केमिकल विया डर्मल रूट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जब एक लाइपोफिलिक विया लाइपोफिलिक केमिकल का इनहेलेशन होता है इनहेलेशन रूट के थ्रू, तब यह जो है मोस्ट डैमेजिंग इफेक्ट काज करता है। ठीक है, तो यह जो है मोस्ट डैमेजिंग इफेक्ट काज करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लीस्ट डैमेजिंग इफेक्ट, इनमें से किसका जो है लीस्ट डैमेजिंग इफेक्ट होता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोफिलिक केमिकल विया इनहेलेशन रूट, बी है ए लाइपोफिलिक केमिकल विया डर्मल रूट, सी है ए लाइपोफिलिक केमिकल विया इनहेलेशन रूट एंड डी है ए हाइड्रोफिलिक केमिकल विया ओरल रूट एंड ई है ए हाइड्रोफिलिक केमिकल विया डर्मल रूट। तो जब हम एक हाइड्रोफिलिक केमिकल का डर्मल रूट से एक्सपोजर होता है तो यह जो है कि लीस्ट डैमेजिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द केमिकल्स आर एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी थ्रू यूरिन, विच आर द अदर ऑर्गन आर मोर इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ केमिकल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है लंग थ्रू एक्सपायरेशन ऑफ द वोलेटाइल कंपाउंड्स, तो हमारे लंग्स से जो एक्सपायरेशन होता है, जो हम गैस जो हवा हम बाहर छोड़ते हैं तो उसमें जो वोलेटाइल केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के, उनका भी वो भी निकल जाते हैं। बी है स्वेट ग्लैंड एक्सक्रीट ए नंबर ऑफ मेटाबोलाइट आउट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी से जो है मेटाबोलाइट्स को एक्सक्रीट करती है स्वेट ग्लैंड, जो पसीने की ग्लैंड होती है। सी है थ्रू बाइल एंड डी है मैमरी ग्लैंड्स एंड ई है ऑल ऑफ द अबव, ए बी एंड सी आर इम्पोर्टेंट। तो बाइल के थ्रू भी होता है एक्सक्रीशन ऑफ द केमिकल्स, मीन्स कि जो हमारी बॉडी में केमिकल्स हैं वो कौन कौन से रूट के द्वारा
हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, तो ऑप्शन ए है लंग के द्वारा भी निकलते हैं एक्सपायरेशन में, स्वेट ग्लैंड्स के द्वारा भी निकलते हैं और बाइल के द्वारा भी निकलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ ए केमिकल। किसी भी केमिकल का जो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होता है वो क्या होता है, तो किसी भी केमिकल का जो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होता है वो होता है द टाइम इन विच सिस्टमेटिक कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एन एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी। तो यहाँ पे है इन एन एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी एनी एंड पॉइंट पैरामीटर सच एज डेथ, ब्रेन डैमेज, लिवर डैमेज इटीसी कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर टॉक्सिकेंट। तो इसलिए यहाँ पे जो है क्या होगा, ऑप्शन ई जो है ये करेक्ट हो जाएगा। मीडियम टॉक्सिक डोज, मीडियम लिथल डोज, नो ऑब्जर्वेडर्स इफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ए पर्टिकुलर डोज ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज मिनिमल टॉक्सिक टू एनिमल, सब्सटेंस वाई इज ऑल्सो मिनिमल टॉक्सिक टू द एनिमल एट द सेम डोज, बट वेन बोथ द सब्सटेंसेज आर एडमिनिस्टर्ड टूगेदर दे शो द टॉक्सिसिटी लेवल टॉक्सिसिटी सेवरल ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड हायर दैन द कंपेयर्ड विद द इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यह जो है किसका एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इन पोटेंशिएशन ए नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंक्रीजेस द टॉक्सिसिटी ऑफ ए रिलेटिवली लेस टॉक्सिक सब्सटेंस। इन सिनर्जिम ए सब्सटेंस सो यूजुअली हायर टॉक्सिक इन प्रेजेंस ऑफ लेस टॉक्सिक इट इज मच ग्रेटर दैन एडिटिव इफेक्ट। इन एन एगोनिज्म ए सब्सटेंस, एगोनिज्म क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है मिमिक करता है, मिमिक द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द अदर सब्सटेंस इट्स अपोजिट इज नोन एज द एंटागोनिज्म। एगोनिज्म एंटागोनिज्म, तो यहाँ पे जो है सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा सिनर्जिज्म। तो एक केमिकल जो अकेले या फिर दो केमिकल जो अलग अलग अकेले अगर हम इनका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर दोनों को मिला के करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं, तो इसको हम सिनर्जिज्म कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 1 ppm इज इक्विवेलेंट टू, 1 ppm जो है किसके इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1 mg पर kg। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 20 विच इज ट्रू अबाउट द LD50। LD50 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। डोज ऑफ सब्सटेंसेस विच किल्स 50% ऑफ एनिमल्स एक्सपोज्ड, तो इसको LD लीथल डोज 50 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी से 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज को लाइक करिए और शेयर करिए। तो ये जो है हमारे 20 क्वेश्चंस हो गए, इसी तरह से मैं और भी क्वेश्चन इसमें कराऊंगी। धन्यवाद।